मैं बहुत आलसी हूँ। कुछ भी बहाना ढूंढता हूँ कि बस एनिमे देखने को मिल जाए। ऑफिस खत्म होते ही मन ही मन सोचता हूँ, आज तो कोड करूँगा, उस नए फ्रेमवर्क को भी सीख लूँगा। स्केड्यूल तो ऐसा बनाता हूँ कि पिक्चर परफेक्ट लगता है। शाम 6 बजे से कोडिंग शुरू। लेकिन फिर जब ये सोचता हूँ कि मुझे 2 घंटा कोड करना पड़ेगा, 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो डेस्क पे बैठ के कुछ नहीं होता। स्केड्यूल बनाना तो आसान है, लेकिन उसकी टेंशन इतनी हो जाती है कि दम घुटने लगता है। वक्त ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के सामने खड़े हो। इसी वजह से कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। पहले तो मुझे लगता था कि मोटिवेशन की कमी है, मुझे ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो मुझे मोटिवेट करे। लेकिन फिर समझ में आया कि टाइम वेस्ट करने के लिए तो कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं हुई। बेचारा मोटिवेशन कभी काम नहीं आया। वो तो समझ आया कि मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद है, लेकिन वो मेरी आदत सी बन गई थी। और ज़िंदगी तो सिर्फ आदतों का ही कलेक्शन होता है ना। तो मोटिवेशन ढूंढने या गूगल कैलेंडर पे परफेक्ट रूटीन बनाने की जगह मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया, 1 कमिट पर डे पॉलिसी। हर दिन चाहे मैं कितना भी थका हुआ हूँ, सुस्त हूँ, गुस्सा हूँ, सिर्फ 1 कमिट करने की कोशिश करता हूँ गिटहब पे। और कोई रीडमीज अपडेट करना नहीं चलेगा। सच बताता हूँ, हम सभी बहुत डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, लेकिन रातों रात ही बदलाव लाना मुश्किल है। लेकिन कम से कम मुझे पता है कि 1 कमिट तो मैं हर दिन कर ही सकता हूँ और उससे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हाँ, कभी कभी लगता है कि इंटरनेट वालों जैसी फास्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन कभी कभी छोटी जीत ही ज़्यादा मायने रखती है। और अपनी छोटी जीतें आप मेरे साथ हमेशा शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया सुनने के लिए। मेरा नाम अर्थ है।